नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। इस वीडियो में चर्चा बिहार के क्रिकेट की होगी, क्योंकि मोतिहारी के रहने वाले 22 वर्षीय बिहार के युवा क्रिकेटर ने देश में नहीं बल्कि दुनिया में वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जो बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाए। आपको बता दें कि 17 फरवरी से रणजी ट्रॉफी का 87वां सीजन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही देश में डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत भी हो गई है। थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन यह खेल अब प्रारंभ हुआ और खेल के प्रारंभ होने के साथ ही बिहार के खिलाड़ियों ने देश में नहीं बल्कि दुनिया में अपना छाप छोड़ना भी शुरू कर दिया है। 17 फरवरी को कोलकाता में प्लेट ग्रुप का मैच शुरू हुआ, जिसमें बिहार और मिजोरम के बीच भिड़ंत हुई। बिहार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दूसरे दिन ही बिहार के 22 वर्षीय मोतिहारी के रहने वाले सकीबुल गन्नी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। दरअसल वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने अपने डेब्यू पर 13 शतक लगाया है। सबसे पहले वो स्कोर कार्ड हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें आप देखकर बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि उन्होंने 13 शतक जमाने के लिए कितने देर बल्लेबाजी की होगी, कितने गेंद भी खेले होंगे। आप देखिएगा तो बिहार का स्कोर आपको दूसरे दिन के खेल में 686 रन 5 विकेट के नुकसान पर पहले इनिंग का दिखाई देगा, जिसमें यशस्वी ऋषभ आपको पहले ओपनर नजर आएंगे जो 38 रन बनाकर आउट हुए। फिर मंगल महरूर अपना खाता नहीं खोल पाए, लखन राजा 25 रन बनाकर आउट हुए, बाबुल कुमार 229 रन बनाकर अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही जब उनके नीचे आप देखेंगे तो सकीबुल गन्नी आउट हो चुके हैं, लेकिन आउट होने के पहले ही उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। डेब्यू पर 341 रन बनाए हैं, यानी कि वो पहले ऐसे दुनिया के खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू पर 13 शतक लगाया है। 341 रन बनाने के लिए उन्होंने 450 गेंदों का सामना किया, 56 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए, 84 उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो ये सकीबुल गन्नी का हम आपको पूरा ब्यौरा दे रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई। आपको बता दें कि बिहार प्लेट ग्रुप में, रणजी ट्रॉफी का जो सीजन अभी चल रहा है उसमें प्लेट ग्रुप में है। प्लेट ग्रुप का जो मैच है उसमें 6 टीमें आपको नजर आएंगी, वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें आपको अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम दिखाई देंगे। प्लेट ग्रुप के मैच में बिहार और मिजोरम के बीच मैच चल रहा था, कोलकाता में ये मैच हो रहा है और बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक दूसरे दिन के खेल के इनिंग ब्रेक तक 686 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए, यानी एक बड़े स्कोर की तरफ बिहार की टीम अग्रसर है। हालांकि आपको बता दें कि कोलकाता जाने से पहले बिहार की इस रणजी टीम पर काफ़ी सवाल खड़े किए गए थे और ये भी कहा गया था कि बिना टीम के अनाउंसमेंट के ये टीम बनाकर बंगाल भेज दी गई। किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी कि आखिरकार बिहार के इस टीम में कौन खिलाड़ी हैं, किनका चयन हुआ है। लेकिन अब टीम का परफॉर्मेंस प्लेट ग्रुप के पहले मैच में बेहतरीन दिखा है। हालांकि असल लड़ाई तो बिहार की टीम को उस समय लड़नी होगी जब वो प्लेट ग्रुप के बाहर, जब धाकर धाकर दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश की टीमों से जब भिड़ेगी तो फिर उसके अपने ताकत का एहसास होगा। लेकिन फिलहाल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू मैच पर 13 शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मोतिहारी के 22 वर्षीय बिहार के युवा क्रिकेटर सकीबुल गनी ने अपने नाम दर्ज करा लिया है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।